मेरा नाम मोहम्मद शफीक है। जा। मेरा यहाँ पे 10 बिस्वा का खेत है जिसमें मेरी दादी की डेड बॉडी भी रखी हुई है जिसमें कब्र बनी हुई है। तो यहाँ पे कुछ दिनों से ये मामला चल रहा था कि बीजेपी के नेता जो प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत गुप्ता हैं वो अपनी दबंगई से बगैर नाप जोप के मेरे 10-12 पेड़ खाड़ के अपने सीधे नी खुदवा के जिसमें काम जारी करा दिया, जिसके लिए मैंने कई जगह भी शिकायती पत्र दिया जहाँ तक अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सुनवाई न होने कारण मैंने दीवानी में मुकदमा डाल दिया। जब मैंने दीवानी में मुकदमा डाल दिया तो वहाँ पे ये जवाब मिला, वहाँ से मिल गया कि यहाँ पे कोई निर्माण कार्य नहीं कराया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे मैंने एसडीएम को दिया, उसने कहा कि जाओ वो अपनी ज़मीन बना रहा है, तुमको जो भी करना हो वो कर लो। और एसडीएम ये भी कहते हैं कि तुम जो है कुछ नहीं कर पाओगे। पुनीत गुप्ता का कोर्ट में मुकदमा पड़ा हुआ, उसने कहा कि कोर्ट वोट कुछ नहीं, मैं ही कोर्ट हूँ, मैं ही अदालत हूँ, मेरी सरकार है बीजेपी की, मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। यही नहीं, सत्ता के नशे में चूर इस बीजेपी नेता को कानून का भी डर नहीं है और कोर्ट का आदेश भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। वही मामला सत्ता पक्ष का होने की वजह से कोई भी अधिकारी इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में सवाल ये है कि इन पार्टी के बेलगाम नेताओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाम कैसे लगाएंगे। उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी भारत।